দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, অবশেষে কৃষি আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। খুশি সারা ভারতের কৃষকরা। পুরে দেশ কো ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आज के दिन सरकार ने घोषणा किया है कृषि आंदोलन में जो जो तीन उसको प्रत्याहार किया है, इस पर आपको क्या बोलना है? जो किसान का ठीक वायुमंडी की फतेह, सबसे पहले मैं जय श्री गुरु नानक देव जी के 852 साल प्रकाश पर्व पर, जन्मोत्सव पर आप सभी को लाख लाख बधाई देता हूँ। जो गुरु नानक देव जी ने हम लोगों को शिक्षा दी, उसको चलते हुए आज का संगत को लेकर हम लोग ये गुरु नानक देव जी का 552 साल प्रकाश पर्व मना रहे हैं। इस मौके पर आज सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तीन काले कृषि कानून पारित किए थे उनको वापस लेने का ऐलान किया है। हम सभी उनका ये फैसले का स्वागत करते हैं और उनको ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि इस दौरान हमारे तकरीबन 900 किसान मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, वो कम से कम ये अवॉइड किया जा सकता था। खैर, इस फैसले से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है। किसान की जीत है और सेंट्रल गवर्नमेंट की हार है? बिल्कुल, ये किसानों की जीत है। जो एक साल से हमारे किसान भाई अपना घर बार छोड़ के सड़क के ऊपर गर्मी में, बरसात में, सर्दी में बैठकर आंदोलन करते शांतिपूर्वक, सबसे बड़ी बात है ये आंदोलन शांतिपूर्वक आज तक इतिहास है कि एक साल तक कोई भी इतनी शांतिपूर्वक कोई आंदोलन नहीं चला है। हम ये बधाई देते हैं सभी भाइयों को जिन्होंने इस आंदोलन में हमारा साथ दिया। क्या क्या मतलब ये पंजाब का किसान दिखा दिया देश को? देखिए, पंजाब का किसान की बात नहीं, इसमें सब ग्रेड के किसान शामिल हैं, लेकिन इसमें बड़ा योगदान पंजाब के किसानों का और हरियाणा के किसानों का था। उनकी मेहनत रंग लाई, देर आई थ्रू सर, ये आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना बड़ा किसानों की बात मानने का, उसमें खुद अभी किंतु परंतु है जो MSP की गारंटी के बारे में बात हुई है और अभी तक तय नहीं हुआ। हम स्वागत करते हैं इस कानून को वापस लेने का। क्या नाम है? रविंद्र सिंह, मैं वेस्ट बंगाल स्टेट का किसान आंदोलन कमेटी का एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। हमारे साथ तेजिंदर सिंह जी जो इस कमेटी के कोर्डिनेटर हैं, वो कोऑर्डिनेटर भी अभी आ रहे हैं। सभी हम मिलकर इस बात का स्वागत करते हैं जो आज प्रधानमंत्री ने हम लोगों के गुरु नानक देव जी के जो मातृभवन पंजाब सबके मौके पर ये फैसला लिया, हम इसका स्वागत करा रहे हैं।